तो ओलंपिक्स की आज शुरुआत हो चुकी है और उसमें आज फुटबॉल के मैचेस खेले जाएंगे। तो सबसे पहला जो आज मैच खेला जाएगा वो है अर्जेंटीना वर्सेस मोरक्को के बीच में। अर्जेंटीना की टीम में अगर हम गोलकीपिंग पोजीशन या फिर उनकी पूरी टीम के बारे में बात करें तो उनके जो गोलकीपर्स में यहाँ पर लियांड्रो ब्रे खेलेंगे, डिफेंडर्स में यहाँ पर मार्केदो के सारे, उसके साथ साथ ब्रूनो एमियोने, कुछ ऐसे नाम जो कि शायद आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं ये बहुत प्रोमिनेंट हैं और अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। उसके साथ साथ मिडफील्डर्स में यहाँ पर इजिक्वेल फर्नांडिस जो कि ओलंपियाकॉस एक ब्राज़ील का क्लब है जो वहाँ पर खेलते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर फॉरवर्ड्स में यहाँ पर और बहुत एक प्रोमिनेंट नाम है जैसे थियागो अल्मांडो जो कि अटलांटा यूनाइटेड के लिए खेला करते हैं, और उसके साथ साथ जूलियन अल्वारेज जो मैनचेस्टर सिटी के एक अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छी उनकी जो अटैकिंग जो जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं वो बहुत कमाल के, और उन्होंने अभी अर्जेंटीना जब अभी कोपा अमेरिका जीते थे उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग नाम है जो अभी इस टीम में खेल रहे हैं। उसके बाद हम मोरक्को की टीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हकीमी एक बहुत प्रोमिनेंट नेम जो पीएसजी के प्लेयर है, और उसके साथ साथ जहाँ पर मोरक्को सेमीफाइनल में पहुँची थी वर्ल्ड कप के 2022 के वर्ल्ड कप में, उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनकी डिफेंसिव एबिलिटीज़ की वजह से मोरक्को जो थी वो सेमीफाइनल्स तक पहुँची थी। तो मोरक्को की टीम को या अर्जेंटीना की टीम को या मोरक्को की टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम मोरक्को की टीम के पास कुछ ऐसे प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो कि बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मुकाबले के बारे में जो कि है स्पेन वर्सेज उज्बेकिस्तान के बीच में। स्पेन के हम बात करें, स्पेन अभी रिसेंटली यहाँ पर यूरोस जीत के आई है, और स्पेन की जो टीम में जो कुछ प्रोमिनेंट नेम्स है और जो कुछ इंटरेस्टिंग टैलेंट्स है वो उनको उस टीम में उनको इंक्लूड किया गया है, जैसे एरिक गार्सिया जो कि अभी गिरोना की टीम से खेलते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर पाब्लो बेरोस जो कि एटलेटिको मैड्रिड की टीम से खेलते हैं, सर्जियो गोमेज जो कि मैनचेस्टर सिटी की टीम से खेलते हैं, और सबसे जो इंटरेस्टिंग नाम है फर्मिन लोपेज जो कि बार्सिलोना में अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है, और उसके साथ साथ पाओ गोबार्सी जो कि बार्सिलोना के एक अच्छे यंग टैलेंट है और अच्छी परफॉर्मेंस अभी बार्सिलोना के लिए दे के आए हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया। तो एक अच्छी टीम है स्पेन की भी, और हो सकता है ये भी जो टाइटल है उसको, जो ओलंपिक्स का जो गोल्ड मेडल है उसको हासिल कर सकती है। और वहीं उज्बेकिस्तान की टीम की बात करें तो वो पहली बारी जो है वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी उनके लिए स्टेज है, लेकिन जो उनकी टीम ने एक मुकाम हासिल किया है एशिया में, उन्होंने जिस तरीके से अंडर 23 का जो एशिया कप हुआ था उसमें जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उससे वो क्वालिफाई हो चुके हैं यहाँ पर ओलंपिक्स के लिए। तो देखना होगा कि क्या स्पेन जो है बहुत आसानी से उज्बेकिस्तान को हरा पाएगी या फिर उज्बेकिस्तान कुछ इनको टफ फाइट दे पाएगी। तो आपका क्या मानना है दोनों मैचेस के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।